Assalamu alaikum, respected teachers. My name is Rana Usman and I would like to welcome you on the platform of Bolti Kitabe. Today we are going to discuss Kids Mathematics Class 4, Exercise number 4.2, page 74. In this exercise, we are going to learn how we are going to convert fractions into decimals and decimals into fractions. So let's move towards the exercise. Bismillah, respected teachers, we are going to start exercise number 4.2, and in this exercise we will discuss that how we are going to convert fractions into decimals and decimals into fractions. So ye kuch fractions hamare samne likhi hui hain, 523 over 1000 aur 632 over 10. Hum log jo fractions ko decimals mein convert karenge usme 10, 100 aur 1000 ke denominators honge. To sabse pehle hum students ko ye batayenge ki agar 1000 ka denominator hai to hamara jo decimal point hai wo 3 digit right to left move karega. Agar 1000 ka hai ya like 3 digits hain, zeros hain, 3 zeros hain, to right to left 3 digits मूव करेगा. अगर 2 zeros हैं तो 2 digits मूव करेगा. अगर 10 यानी 10 है तो 1 digit मूव करेगा. सबसे पहले तो हम ये बताएंगे, और right to left मूव करेगा. So अगर हम 523 over 1000 को देखें example को, तो यहाँ पे क्योंकि value 523 लिखी हुई है और इसका decimal definitely right side पे 3 के बाद है, क्योंकि वो वैल्यू जिसका कोई डेसिमल ना हो उसके एंड पे डेसिमल होता है. तो जब हम इसको डेसिमल को, क्योंकि इसके नीचे 3 जीरोज़ हैं तो हम इसके डेसिमल को 3 डिजिट्स मूव करेंगे, तो हमारा जो डेसिमल है 3 से जब मूव होके वो 5 से पहले आ जाएगा. लाइक हमारा डेसिमल आ जाएगा 0.523 और यहाँ से हम ज़ीरो लगा देंगे खुद से. ये जो ज़ीरो है ये निग्लिजिबल होता है, इट विल कास्ट नो डिफरेंस. तो ये हमारा फ्रैक्शन से डेसिमल में कन्वर्जन हो गई. अब हम एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं. ये है 632, इसका डेसिमल पॉइंट कहाँ पे है, ये 2 के बाद है. अब ये देखिए इसका डेसिमल पॉइंट यहाँ पे है, तो क्योंकि ये एक ज़ीरो है तो डेसिमल पॉइंट एक डिजिट मूव करेगा सिर्फ, यानी ये सिर्फ यहाँ से यहाँ आ जाएगा 2 से पहले. तो अब हम वैल्यू क्या लिखेंगे, 63.2. ये एक डिजिट क्यों मूव कर रहा है, क्योंकि इसके नीचे एक ज़ीरो है. इस वाली एग्जांपल में 3 डिजिट्स मूव क्यों कर रहा है, क्योंकि इसके नीचे 3 जीरोज़ हैं. नाउ इफ़ यू विल गो टू द एक्सरसाइज नंबर 4.2, क्वेश्चन नंबर 1, वी विल सी दैट देयर आर सर्टेन फ्रैक्शंस आर गिवन, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 6. अब यहाँ पे देखिएगा आपके पास 47/50 है, तो हम लोगों को डेसिमल में जाने के लिए डिनोमिनेटर को 10, 100 या 1000 में होना चाहिए. तो यहाँ तो 50 में है, तो सबसे पहले हम ये करेंगे कि इस फ्रैक्शन को हम 100 या 1000 के डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे. वो कैसे लेके जाएंगे कि हम ऐसा नंबर सोचेंगे जिसको मल्टीप्लाई करने से हमारा डिनोमिनेटर जो है वो या 10 बन जाए या 100 बन जाए या 1000 बन जाए. तो वी कैन ईजिली सी दैट कि 50 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो वो 100 बन जाता है. लेकिन यहाँ पे एक चीज़ नोटिसेबल ये है कि सिर्फ डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, न्यूमिनेटर को भी करेंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स में अगर आप डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं तो आप न्यूमिनेटर को भी करते हैं. तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, 47 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 50 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो यहाँ पे हमारे पास जब 47 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 94/100. आप देखें, अब क्योंकि ये डिनोमिनेटर 100 में आ गया फ्रैक्शन का, अब हम इसको इजीली जो है वो डेसिमल फॉर्म में ले जाएंगे. कैसे, 100 है, 2 डिजिट मूव करेगा. अभी इसका डेसिमल यहाँ पे है 4 के बाद, जब 2 डिजिट मूव करेगा, एक डिजिट 4, एक डिजिट 9, 2 पूरे हो गए, ये डेसिमल 9 से पहले आ गया 0.94 और यहाँ पे हमारा 0 आ जाएगा. तो ये 0.94 इज़ द डेसिमल फॉर्म ऑफ द फ्रैक्शन 47/50. नाउ मूव टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 7, 285/1000. यू कैन सी हेयर दैट द वैल्यू इज 1000 एंड देयर आर 3 जीरोज इन डिनोमिनेटर. सो वी विल मूव द डेसिमल पॉइंट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट 3 डिजिट्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, क्योंकि 3 जीरोज हैं. तो डेसिमल पॉइंट 5 के बाद है, हमारा यहाँ पे है. तो जब हम 3 डिजिट्स 1, 2, 3 मूव करेंगे तो ये 2 से पहले आ जाएगा, 2, 8, 5
और यहाँ पे हम ज़ीरो लगा देंगे। तो यूँ हम लोगों ने एग्जांपल्स को भी सॉल्व किया, क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लिया, इसी तरह आप बाकी पार्ट्स भी करवा देंगे। अब हम मूव करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जहाँ पे आपने डेसिमल्स को जो है वो आपने कन्वर्ट करना है फ्रैक्शंस में। ये सेकेंड पार्ट है। यहाँ पर हमने क्या किया, फ्रैक्शंस को डेसीमल में किया है। देखिए फ्रैक्शन डेसीमल, अब हम लोगों को डेसीमल्स गिवन है और हम लोग फ्रैक्शंस में जाएंगे। इट्स ऑल्सो वेरी इजी। हम क्या करेंगे, जो हमें वैल्यू गिवन है हम पहले उसको लिख लेंगे। लाइक हमें गिवन है 5, 2, 6, लिख ली, डिवाइडेड बाय, पॉइंट के नीचे हम लोग 1 लगाएंगे और पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स हैं उतने जीरोस लगा देंगे। पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, 1, 2, 3, तो हम यहाँ पे 1, 2, 3 जीरोस लगा दिए। ये डेसिमल था, ये हमारे पास फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल स्टडी कर लेते हैं। इसमें हम सबसे पहले ऊपर न्यूमिनेटर में 777 लिख लेंगे। ये देखिएगा 777 डिवाइडेड बाय पॉइंट के नीचे 1 और पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स नज़र आ रहे हैं आपको, 1 और 2, तो कितने जीरोज आ जाएंगे, 2 जीरोज आ जाएंगे। अब आप क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 देखिएगा बुक पे, 0.73, तो इसमें हम क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे 73 डिवाइडेड बाय पॉइंट के नीचे 1, 1 और ये 2 डिजिट्स हैं तो 2 जीरोज आ गए। पार्ट 6 को अगर आप देखते हैं 3.954, हम ये पूरी वैल्यू लिखेंगे ऊपर। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन ये रेज होता है कि यहाँ पूरी वैल्यू क्यों नहीं लिख रहे। यहाँ इस वजह से नहीं लिख रहे कि पॉइंट से पहले 0 है, 0 निग्लेजिबल है, हम इसको नहीं लिखते। यहाँ पे पॉइंट से पहले होल नंबर है तो होल नंबर को तो लिखेंगे, तो हम लिखेंगे 3954 डिवाइडेड बाय पॉइंट के नीचे 1 और कितने डिजिट्स हैं, 1, 2, 3 जीरोज आ गए। यहाँ पे हम लोगों ने फ्रैक्शंस को डेसिमल्स में कन्वर्ट कर दिया, यहाँ पे हम लोगों ने डेसिमल्स को फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर दिया। आई होप कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, जुड़े रहिए बोलती किताबों के साथ। अल्लाह हाफिज़।